साथियों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे किसान ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। उनमें एक उत्साह दिख रहा है, वो इसे अपनाने के लिए तैयार है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये इसलिए है क्योंकि पिछले 7-8 साल में जिस तरह कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया गया है, उस वजह से टेक्नोलॉजी किसानों के लिए हवा नहीं रह गई है। और एक बार किसान उसको देखता है, थोड़ा अपने हिसाब से उसका लेखा जोखा कर लेता है, और अगर उसका विश्वास बैठ गया तो स्वीकार करने में देर नहीं करता है। अभी मैं बाहर जब किसानों से बात कर रहा था तो मध्य प्रदेश के एक इंजीनियर मुझे बता रहे थे कि मुझे तो लोग अब ड्रोन वाला करके ही बुलाते। बोले, मैं इंजीनियर हुआ लेकिन अब तो मेरी पहचान ड्रोन वाले की हो गई है। उन्होंने मुझे कहा कि साहब देखिए, मैंने उनको कहा कि आप क्या भविष्य क्या देखते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा साहब देखिए, जो पल्सीज मामला है ना हमारे यहाँ, उसकी खेती बढ़ेगी और उसमें कारण एक ड्रोन होगा। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा साहब, पल्सीज जब खेती होती है तब उसकी फसल की ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, तो किसान अंदर जाकर के दवाई ववाई के लिए उसका मन नहीं करता है, मैं कहाँ जाऊँगा, वो छिड़काव करता आधी तो मेरे शरीर पे पड़ती है, और बोले इसलिए उस फसल की तरफ वो जाता ही नहीं है। बोले, अब ड्रोन के कारण ऐसी जो फसलें हैं जो मनुष्य की ऊंचाई से भी कभी कभी ऊंची होती हैं, ड्रोन के कारण उसकी देखभाल, उसकी दवाई का छिड़काव, बोले इतना आसान होने वाला है कि हमारे देश का किसान आसानी से पल्सीज की खेती की तरफ जाएगा। अब ये एक व्यक्ति गांव के अंदर किसानों के साथ जुड़ने के साथ काम करता है तो की चीज़ें कैसे बदलाव आता है, उसका अनुभव उसका सुनने को मिलता है। साथियों, आज हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लाने का प्रयास किए, सोइल हेल्थ कार्ड, ये अपने आप में हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। और मैं तो चाहूंगा जैसे ये ड्रोन की सेवाएं हैं, गांव गांव सॉइल टेस्टिंग के लैब बन सकती है, नए रोजगार के क्षेत्र खुल सकते हैं, और किसान अपना हर बार सॉइल टेस्टिंग करा करके तय कर सकता है कि मेरी मिट्टी में ये आवश्यकता है, ये जरूरत है। माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ये सारी बातें आधुनिक सिंचाई व्यवस्था का हिस्सा बन रही है। अब देखिए फसल बीमा योजना, अब फसल बीमा योजना के अंदर सबसे बड़ा काम हमारी जीपीएस जैसी तकनीक का उपयोग हो, इनाम जैसी डिजिटल मंडी की व्यवस्था हो, नीम कोटेड यूरिया हो, या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पैसा जमा करने की बात हो। बीते 8 साल में जो ये प्रयास हुए हैं उसने किसानों का टेक्नोलॉजी के प्रति भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आज देश का किसान टेक्नोलॉजी के साथ कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है, उसे ज्यादा आसानी से अपना रहा है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहां अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। यही नहीं, ड्रोन ये भी पहचानने में सफल होते हैं कि कौन सा पौधा, कौन सा हिस्सा बीमारी से प्रभावित है, और इसलिए वो अंधाधुंध स्प्रे नहीं करता बल्कि स्मार्ट स्प्रे करता है। इससे महंगी दवाओं का खर्च भी बचता है। यानी ड्रोन तकनीक से छोटे किसान को ताकत भी मिलेगी, तेजी भी मिलेगी, और छोटे किसान की तरक्की भी सुनिश्चित होगी। और आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मेरा भी यही सपना है कि भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन हो, हर खेत में ड्रोन हो और हर घर में समृद्धि हो।